इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के बाद हम सभी का इंतजार यही रहता है कि कब इनकम टैक्स की फाइल प्रोसेस हो और हमारा रिफंड हमारे पास आए, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को क्या होता है कि हमारी इनकम तो स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं होती है जहां पर हम लोगों को टैक्स पे करना पड़े, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर TDS डिडक्ट होता है और कुछ पेमेंट ऐसी आती है जहां पर TDS डिडक्ट करने के बाद में पेमेंट आती है, तो उस पेमेंट को रिक्लेम करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन करंटली मार्केट में एक लेटेस्ट स्कैम सामने आया है जहां पर इनकम टैक्स के रिफंड के नाम पर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। इस तरीके का साइबर फ्रॉड मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है। जिस तरीके का मैसेज आपको इनकम टैक्स रिफंड का आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वैसा ही सेम स्कैम ये साइबर स्कैमर्स करते हैं और आपके साथ धोखा हो सकता है। इस मैसेज में क्लियरली मेंशन किया जाता है कि आपका पैन कार्ड का नंबर ये है, आपने इस डेट को फाइल किया था आपके इनकम टैक्स को और आपका रिफंड इतना निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइन होती है कि अगर आपको इस टैक्स अमाउंट का रिफंड लेना है तो इस वाले लिंक पर क्लिक करिए, और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपका सारा डेटा उस स्कैमर के पास पहुंच जाता है और आपका अकाउंट हैक हो जाता है और आपके पैसे आपके पास से खो जाते हैं। और रिसेंटली PIB के फैक्ट चेक में भी PIB ने कहा है कि ऐसे स्कैम्स वाले मैसेज से आपको बच के रहना है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं और आपका कुछ रिफंड निकल कर आता है तब यहाँ पर आपका जो रिफंड का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि जब भी आप ITR फाइल करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा वहां पर एक मैंडेटरी अकाउंट नंबर मांगा जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पैसों से रिलेटेड, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में सेटल किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिफंड के लिए किसी भी अनदर लिंक पर क्लिक नहीं करना है। रिफंड पाने के चक्कर में अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो लॉस आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज भेजते हैं ये साइबर क्राइम वाले। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि ओरिजिनल मैसेज है कि स्कैम्स करने भेजा है। लेकिन अगर आपको इस फ्रॉड से बचना है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि ऑफर्स वाले मैसेज पर ध्यान नहीं देना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, फिर चाहे वो बैंक एम्प्लॉय ही क्यों ना हो या IT डिपार्टमेंट का कॉल ही क्यों ना हो। अगर आपके पास अनऑथराइज्ड लिंक आती है तब आपको इस लिंक पर भी क्लिक नहीं करना है, और जब भी आपके पास कुछ इस तरीके के मैसेज आते हैं तब आपको वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपर वाला मैसेज है कि नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके के मैसेज भेजता है सेम उसी तरीके के मैसेज भी ये लोग भेजते हैं, तो आपको हमेशा ही सावधान रहना है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।